जहां उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में अपराध का पारा काफी गर्म है, वहीं आजमगढ़ पुलिस अपराधियों का मनोबल तोड़ने में दिन रात एक करके जुटी हुई है। 15 दिनों के अंदर लगातार दूसरी मुठभेड़ हुई है, जब आजमगढ़ जनपद में आतंक का पर्याय बन चुके D60 गैंग का सरगना और 15,000 का इनामी बदमाश वैभव यादव उर्फ छोटू की पुलिस मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में इनामी बदमाश वैभव यादव को कुल 3 गोलियां लगी हैं, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया है। वहीं बदमाशों की टीम की तरफ से की गई फायरिंग में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर 3 बदमाश मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस ने इनके पास से एक बाइक, पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया है। D60 गैंग के सरगना वैभव यादव के ऊपर पूर्वांचल के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश भी थी। हालांकि पूर्व में कई बार यह पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचता रहा, लेकिन मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि वैभव यादव अपने कुछ साथियों के साथ आजमगढ़ जिले में बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। पुलिस टीम सक्रिय हो गई और SOG के साथ मिलकर घेराबंदी करते हुए मुठभेड़ के दौरान यह कामयाबी हासिल की। घायल पुलिसकर्मियों की हालत सामान्य है, वहीं वैभव की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। ये आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान सुबह कुछ अपराधी थे जो कि वहाँ से गए, चेकिंग के लिए रोका गया तो पुलिस टीम पे उन्होंने फायरिंग की और इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस द्वारा जो काउंटर फायरिंग की गई है उसमें एक अपराधी को गोली लगी है, एक बाइक और एक पिस्टल मौके से बरामद हुई है। बाकी अपराधी भागने में सफल रहे हैं, उनकी अभी हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं और उनकी अरेस्टिंग का प्रयास कर रहे हैं। और जो घायल पुलिसकर्मी हैं और जो घायल अपराधी हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलिस टीम द्वारा ले जाया गया है। अच्छा, ये अपराधी कौन था, किस टाइप का अपराधी था, क्या घटना करता था? ये D60 गैंग जनपद में पंजीकृत है पहले से और उसका जो सरगना है वो प्रशासनिक आधार पर जेल ट्रांसफर है बिजनौर जेल में। वर्तमान में गैंग का सरगना ही है जो गैंग को संचालित कर रहा है और ADG सर के स्तर से इस पर पहले से भी पुरस्कार घोषित किया गया है। अभी हाल ही में इन्होंने एक पेट्रोल पंप पर मैनेजर की हत्या करके लूट की थी और उसके कुछ दिन बाद एक शराब के ठेके पर जो मालिक था उसकी हत्या करके इन्होंने लूट की थी। पूर्व में भी यहाँ पे SP जो वर्तमान में SP जौनपुर है उनके ऊपर और उनकी टीम पे चेकिंग के दौरान इसने फायरिंग की थी, जिसमें एक कांस्टेबल को गोली लगी थी और उसकी आंतों वगैरह में ऑपरेट करके निकाला गया था, उसी के रूप में पहचान हुई है और बाकी अग्रिम कार्रवाई और हम लोग अभी इसमें सुनिश्चित करा रहे हैं। क्या नाम था इसका? इसका नाम वैभव छोटू था।